तो फिर एक बचपन का समय होता है ना, बिल्कुल आपको वो याद आ रहा है, सोचे कैसा लगता होगा। व्यूज हमारा जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? और इस वक्त आप लोग सोचोगे मैं कहाँ से आप लोगों को वेलकम कर रही हूँ, तो ये मैं कर रही हूँ बाहर से। इस वक्त हम बाहर निकले हैं मार्केट, तो वहाँ कुछ सामान को लेना था, ड्राइवर वगैरह अपने बकरों के लिए, तो मैं भी साथ में आ गई बस इनके। और गर्मा गर्म समोसे बिक रहे हैं बाबू यहाँ, तो ये दवाई लेकर आते हैं तो फिर बात करते हैं आप लोगों से। मेडिकल स्टोर से ही ले रहे हैं दवाई, मुझे आगे लेके चलना सही, मैं चिप्स कर लूँगी। ये चेक करो आप यहाँ का मंजर, खूबसूरत मंजर हो रहा है यहाँ का, ज़बरदस्त समोसे। यार मैंने दफन का पुलाव खाया था, आलू छोलों का पुलाव, इतना यम्मी था, बहुत अच्छा था इनका पुलाव। तो देखें हम इस तरह से इंजॉय करते हैं बस, कभी भी कहीं भी निकल पड़ते हैं। ये हमारे चिप बनना शुरू हो गए, देखो खूबसूरत मज़ेदार चिप्स। मेरे चटपटे बना के देना भैया, सब चीज़ डालिएगा। हमारे बन रहे हैं चिप्स, बहुत ही यम्मी यम्मी मज़ेदार। शुक्र तैयार है, वरना तो टाइम लगता है यहाँ पे हमेशा। हाँ हर चीज़ डालना, चटनी, केचप, मसाला, हर चीज़। 100 रुपये के, 100 रुपये के लिए 100 रुपये मुन्ने देना, 100 रुपये इनको। चलो ये मिल गया हमें यहाँ पे, ज़बरदस्त ये देखो मिल गया। तो ये आ गए हमारे चिप्स जो आपके सामने अभी वहाँ बनवाए थे हमने, अब इसको हम खाएंगे। देखो मैंने कहा था मुझे स्पाइसी कर रही थी, और देखो चूना लगा ही दिया। ऐसे होते हैं दुकानदार, देख लिया ना आप लोगों ने। चलो इसको खाते हैं, इंजॉय करते हैं, फिर मिलते हैं खाने के बाद। ये देते हैं हमारे घर में दो छोटे छोटे से मेहमान आए, हम उम्र ये 4 दिन बड़े हैं, ये छोटा है 4 दिन। ये चेक करो, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये चो माशाल्लाह। हमारी बोली छमे में आ गई, देखो भाई शहजादे, माशाल्लाह माशाल्लाह। एक ये तो कैमरा फिश बच्चा हमारा, छच्ची बता रही हूँ, एक को बहुत मजा आता है कैमरे के अंदर, छच्ची बता रही हूँ। दोस्ती हो गई तुम्हारी भाई से, आप छोटे भाई है वो बड़ा भाई है, आप छोटे भाई है वो बड़ा भाई है, वो प्रोडक्शन है। ये इस वक्त आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में हम लोग किस जगह पर हैं। और बारिश में तो आज माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ा मज़ा आया कि आज मैं निकल गई, इंजॉयमेंट हो रहा है काफ़ी ज़्यादा, खूब मज़ा आ रहा है। निशानी दिखाया, निशानी किस चीज़ की? मस्जिद। क्यों यार? मुझे गुम्मत देख के बस अपना मदीना याद आता है, कि जब भी हम लोग मदीने में घुसते थे, एंट्री करते थे, हमारा दरवाजा नंबर भूल गए क्या था, तो गुम्मत सामने पड़ता था और हम उस पर सलाम जाके करते थे। फिर अल्लाह ताला मुझे कब लेके जाएंगे दोबारा अपने घर में यार, बस दुआ कीजिएगा कि आने वाला जो साल है, आने वाला सिर्फ 2025 होगा, 2025 में मेरे 3 ड्रीम है, अल्लाह ताला वो पूरे हो जाएं। घर, एक उम्रा दोबारा से करना है मुझे, और तीसरा एक हज, हज अकबर कर सकूँ। बस आप लोगों की दुआएं चाहिए भरपूर। और इस वक्त तो बड़ा मज़ा आ रहा है, ठंडा मौसम है, गाड़ी वालों ने एसी भी चला दिया है। ये देखिए गुम्बद, ये गुम्बद नज़र आएगा आप लोगों को। अब बैक क्यों नहीं हो रहा कैमरा मेरा, हो गया बैक, ये रहा गुम्बद, ये देखें बिल्कुल मदीने का गुम्बद होता है, कहीं दूर से आप देखो, जो गया है वहाँ पर उसको पता होगा कि वहाँ की क्या शान है। और इतना रश हो रहा है यहाँ पे, देखिए आप लोग निकलते जा रहे हैं, और कहाँ बज रहा है, ये कौन है? अच्छा ये पुलिस वाले हैं। हाँ जी, तो अब हम जा रहे हैं गर्मा गर्म सूप पीने,
में बारिश के मौसम में बहुत ही यमी यमी और बहुत ही मज़ेदार सूप वाला। अच्छा हमारे यहाँ यहीं से सूप जाता है, हम लोग सब यहीं से पीते हैं। जब हमारे यहाँ सर्दी आती है तो बाकायदा हमारी पूरी फैमिली यहाँ पे सूप पीने आती है। तो अभी मैं दिखाती हूँ आप लोगों को सूप हम लोग कहाँ से। मेरे भी यकीन लेना अंडे वाली वो भी और अनंता चाइनीज सूप है ना, तो चाइनीज इधर है अंडे वाला। एक दो तीन अली तुम्हारा अलग से लूँ एक साथ मेरे साथ भी देगा तीन तीन चाइनीज सूप और एक यकनी यकनी अंडे वाली। यस यस अंडे वाली सारी अंडे वाली मसाला यार अलग से ला के रख देगा यार। नॉर्मल पहले नॉर्मल रख दो फिर अगर चाहिए हो तो ले ले। अली हट नहीं यार तुम थोड़ा सा जरा ये चेक करो, ये रहा हमारा सूप वाला जहाँ से हम सूप लेके पीते हैं, ठीक है ना। तो इस वक्त बहुत मज़ा आ रहा है, इतना मज़ा आ रहा है ना कि मौसम का वाकई में इंजॉय करना ना कोई मुझसे सीखे। निकल पड़ते हैं हम बाहर इतनी ही बारिश में। पहले हमारे पास बाइक थी, जब हम ये काम भी नहीं करते थे तो कुरंगी जाते थे हम लोग, जब मेरा पहला बेटा था बारिश में निकल जाते थे कुरंगी, रुकते रुकते इंजॉय करते हुए भी खाते थे, वहाँ पे पकोड़े छोले बने होते थे वो खाते थे। 50 पॉइंट चाहिए 12 स्टार होने में, मेरे डोमिनेटर लगने वाला है पबजी में। ओहो एक तंगे पबजी, ठीक है अभी आते हैं ना सूप तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यम्मी होता है सूप, बहुत ही मजे का। वाओ क्या सूप है, अनंत ब्रश नहीं करना। ये है चाइनीज और मैं तो खैर यखनी पीती हूँ तो मेरे लिए आएगी यखनी, ठीक है अंडे वाली यखनी पीना है मुझे तो भाई, मेरे अंडे वाली यखनी आएगी अभी क्योंकि मैं चाइनीज नहीं पीती मैं यखनी पीती हूँ यखनी। रोशनी ये चेक कर लो यार मेरा तो यखनी आया है अली, तो उनका दिखा दो दिखा। ये चाइनीज है और मेरी है यखनी, तो और गर्म गर्म यखनी। ओहो तो टेस्ट करते हैं कैसा इसका नमक वगैरह, मज़ेदार मज़े की बनी हुई। पता है यहाँ की इतनी मशहूर है ना, हम लोग यहीं आते हैं हम बाकायदा सर्दियों में तो हमारी पूरी फैमिली आती है यहाँ पर सर्दी सर्दी। और अभी तक यहाँ से गुजर रहे थे तो अब तो मौसम इतना प्यारा हो रहा था सोचा कि क्यों ना पिए लुत्फ रहे। तो आप लोग भी ज़रूर आएगा यहाँ पे, जिसको जगह पूछनी है कमेंट बॉक्स में पूछना, मैं बता दूँगी आप लोग कहाँ पे है, ठीक है ना। हम लोग भाई इन्जॉय करने निकलते रहते हैं, मज़ेदार बाहर का मौसम देखो बारिश और यहाँ देखो गर्मा गर्म सूप धुआं निकलता शू, ठीक है मिलते हैं सूप के पीने के बाद। अच्छा जी सूप तो हम लोगों ने पी लिया है जो कि बहुत ही यम्मी था और बहुत ही मज़ेदार था। चाइनीज़ भी अपने बहुत अच्छा था और ये वाला भी बहुत यम्मी था, मज़ा आ गया पी के ना इन्जॉय हो गया। आज तो मौसम का सही वाला इन्जॉय किया हम लोगों ने और अभी फुहार बिल्कुल रुक गई है, हो सकता है कि आज रात में बारिश हो, अगर रात में बारिश होती है तो फिर इंशाल्लाह आपको बोलते हम बताएंगे क्योंकि कल भी मैंने बारिश का इंतज़ार करा लेकिन बारिश नहीं की। आ गया हमारा पार्सल, ये वाले भाई हमारा पार्सल भी लेके आ गए, ले लिया पार्सल एक ही लिया है ना, प्याला खाली हो गया अली दो नहीं भी खा रहे बेटा तो पूरा बाकी है आई। अच्छा अभी अनस भाई खा रहे हैं, तो ये हम लोग हैं अभी पता नहीं किस जगह पे हैं, जगह का नाम तो मुझे भी नहीं पता लेकिन यहाँ पे बहुत यम्मी सूप मिलता है। वो जो ऑरेंज छपरा दिख रहा है ना वो ऑरेंज छपरे वाला वहाँ से हम पीते हैं सर्दियों में जूस, वेरी यम्मी एंड वेरी मस्त टेस्टी। आज का मुझे लग रहा है पूरा व्लॉग मेरा बारिश बारिश में ही निकल जाएगा और कहीं जाने का सोच रहा था लेकिन नहीं निकले बाहर। आपको पता है जब घरेलू एक औरत घर में रहती है तो घर के ही व्लॉग आप लोगों को देखने को मिलेंगे, मेरा बकरा बकरी मेरा खाना मेरा ऑनलाइन बस, और जितनी भी मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हो इतना प्यार दे रहे हो, तो आप सबका तहे दिल से शुक्रिया, बहुत अच्छा आप लोग सपोर्ट कर रहे हो। इसी तरह चाहती हूँ हमेशा आप लोगों को सपोर्ट करो, इसी तरह प्यार दो इसी तरह मोहब्बत दो, लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो ठीक है, और दूसरों को भी वीडियो शेयर करा करो ताकि वो लोग भी मेरी वीडियो देखें और शेयर करें, इसी तरह आगे 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 शेयर होती रहेगी होती रहेगी होती रहेगी, ठीक है। अली आपका क्या है वो है इसके मारे बताओ जरा। बहुत वीआईपी है, वीआईपी है, मज़ा आया बहुत, पैसे वसूल हो गए शॉप पे से पीते से? हाँ ये बात तो हकीकत है, चाचू एक जगह पे वो लेके जाते हैं वहाँ का भी लेकिन इतना अच्छा होता है वहाँ का भी है ना अली,
अली तो फुल इंजॉय ले लेके खा रहे हैं, ये देखें आप फुल मज़ेदार अली मूड में है, अली का अच्छा लग गया, शुक्र है अल्लाह का। तो बस ठीक है, मिलते हैं फिर आप लोगों से इसी तरह। बाहर का व्यू देखो सब लोग, अच्छा दुनिया पूरी बाहर निकल के एंजॉय कर रहे हैं, हम समझते एक हम ही निकल रहे हैं, नहीं भाई पूरी दुनिया बाहर होती है। अली को क्या कहते हैं, अली को सूप पी के अली को तो नज़ला हो गया है अली क्योंकि अली हमारा बिल्कुल फीके खाने खाता है, थोड़ा सा उसको स्पाइसी लगा और हम लोगों के हिसाब से बिल्कुल सही था, गर्मा गर्म मज़ेदार था बिल्कुल, है ना अली? बस अली के नाम थोड़ा सा अली को स्पाइसी लगा और अली को खा के नज़ला हो गया, लेकिन मुझे आई होप अली गया कि खाना नहीं मांगेगा मुझसे और सो जाएगा, इतना थका हुआ तो ये है, सो जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह मुझे फ्रूट लेना था, यार फ्रूट तो ला देते, मनी मनी पैसा पैसा देख लो भाई। तो मेरा हुलिया कुछ इस टाइप का हो रहा है, गाँव देहातन वाला, ठीक है। सब मेरा दिल चाह रहा है मैं किसी गांव में जाऊं, खेतों में जाऊं और हरियाली हो और मैं हूँ। जैसे मैं जब छोटी थी सरगोधा गई थी, लाहौर गई थी, तो वहाँ खेतों में गई थी, मैंने अपने हाथ से गोभी तोड़ा है, हरी मिर्ची तोड़ी है, टमाटर तोड़े हैं, लौकी तोड़ी है और किन्नू नींबू गन्ना ये सब मैंने अपने हाथों से तोड़ा है, क्योंकि मैं शादी से पहले दो दफ़ा गई हूँ सरगोधा और लाहौर, शादी के बाद गई हूँ सरगोधा लाहौर मरी और काफ़ी सारी जगह पर गए थे पहले हम, सिवाय कश्मीर नहीं गई, गिलगित नहीं गई, नहीं कश्मीर हुंजा और बलोचिस्त नहीं, वो बाबू सट्टो हुंजा नहीं गई ना, हुंजा कहाँ गए हम लोग। तो इंशाल्लाह मेरा पूरा मूड है कि मैं जाऊँ नारायण कागान इन जगहों पे नहीं गए मेन और एक वो जहाँ पे चरपाइयाँ बैठ के लोग खाना खाते हैं, पानी नहीं कश्मीर नहीं है वो, वहाँ पे पानी बह रहा होता है और खाना खा रहा होता है, मुझे वहाँ पे जाना है, मुझे जाना है वहाँ पे। वहाँ पे कौन कौन गया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, कश्मीर है वो, कश्मीर की बोतल में। अच्छा जी, जैसे कि आप लोगों को पता है कि रात को बहुत रात हो गई थी तो ब्लॉग को हैंड ही नहीं कर पाई, बारिश इतनी तेज़ हो रही थी, तूफानी बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा, फिर रात हो गई, फिर रात होने के बाद मैं सो गई थी, अब सो के उठे हैं तो बस नाश्ता बनाया जल्दी से बच्चों के, नाश्ता करा के आज देखो खाने में क्या बनता है कुछ समझ में ही नहीं आ रहा यार, रोज़ की एक टेंशन है कि खाना क्या पकेगा बस, और बहुत टेंशन है दिमाग का, लेकिन बस जल्दी से नाश्ता करके अली तो उठ गए, अयान को तो चीख चीख के थक जाओ, अयान नहीं उठता, मीरा भी उठ गई, सब उठ गए, जल्दी ले आ जाओ बच्चों ठंडा हो जाएगा यार पराठे बने हुए, तो ये होता है नाश्ता करके। आज सोच रही हूँ आज हफ्ता है ना, आज नहीं आज जुम्मा है, बल्कि अच्छा जुम्मा है आज, देखो जुम्मे की क्या रूटीन रहती है, नाश्ता हमारा बन गया चाय पराठा अंडा, बस तो मिलते हैं आप लोगों से, नाश्ता कर लूँ बात करते हैं। तो फिर नाश्ता हो चुका है, बर्तन धुल चुके हैं, सफाई हो चुकी है सारे घर की, आज हम बनाने वाले हैं दाल चावल पापड़ मिर्ची। जुम्मे का दिन है क्योंकि जुम्मे के दिन इतनी तेज़ी से भगता है ना, पता ही नहीं चलता कब गुजर गया, और अच्छा जिन जिनको खद्दर का इंतज़ार था खद्दर आ चुकी है, लीलन अभी तक नहीं आई है, और लीलन देखो कब लॉन्च करते क्योंकि पिछले साल भी लोगों ने लीलन लॉन्च नहीं की थी प्रिंसेस वालों ने ना, और दूसरा ये कि जो जो खद्दर बाय करना चाहता है तो खद्दर के लिए व्हाट्सएप पे आ सकता है, व्हाट्सएप नंबर आप सबको मेरा पता है ठीक है ना, तो उस पर बाय कर सकते हैं आप लोग खद्दर, 3350 की रेंज में आइए और 3500 की रेंज में आइए ठीक है, ये दो रेंज आइए खद्दर की, और एम्ब्रॉयडरी तो महंगा ही आया है 4500 या 4400 इस तरह की, आप लोगों को वैसे पता है कि हमेशा की तरह डिस्काउंट में ही मिलता है वो, रखा सारा मेरा माल रैक के अंदर, ये चेक करो ठीक है, तो ये सारा माल रैक के अंदर रखा हुआ है मेरा, तो बस मैं इसको फिर ये लॉन है, लॉन तो सेल लगा के इंशाल्लाह ख़त्म करने वाली हूँ, और सोच रही हूँ कि आज के लाइफ के अंदर इसको ख़त्म कर दूँ सारा, आज लाइफ करने का मूड है बहुत अच्छे से, और रात को घूमने गए, सूप पिया, सब बहुत मज़ा किया, एंजॉय किया, जिसको मेरा एक ब्लॉग पसंद आया उसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट्स कर देना और प्यारे प्यारे से लोगों में क्या बोलना चाहिए शेयर कर देना ठीक है, तो ये लाजमी करना है। अभी रात की नुस्खे कैसी नज़र आ रही है, देखें पता नहीं क्या हो गया, कुछ तबीयत ख़राब हो रही है, मैदे में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, इसकी वजह से मुझे ना उपकाइयाँ लग रही, कुछ भी नहीं खाया जा रहा मुझसे ना, ये हो रहा है, तो बस हेटर्स को लव यू, और जो वैसे मोहब्बत करते हैं उनके लिए तो वी लव यू ठीक है, ये चेक करो, मुझे अभी तक हार्ट बनाना नहीं आया, हार्ट बनता है कैसे, ये ऐसा बनता है कि कैसे बनता है, ये देखो ऐसा वाला हार्ट मैंने बनाया है। चलें ठीक है जी, बाकी सबको मेरा अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा,
कोई गलती कोई तो माफ कर दे। अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय, टेक केयर। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना।